हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो आपके बोन्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। और मार्केट में कई बार इशू रहता है स्टूडेंट के माइंड में, कई बार ये सेट रहता है कि वो टैबलेट महंगी है, वो हमारे टैबलेट्स हमारी किडनी के अंदर कोई इफेक्ट डालेगी। तो मैं सारी पॉइंट आज आपको क्लियर करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी बोन्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, तो वो मेडिसिन है हेल्थ कार्ड की कैल्शियम मैग्नीशियम प्लस जिंक करके, इस तरह की पैकिंग में आती है। ये देखिए, इस तरह की पैकिंग में आती है। ये मेनली बाय की जाती है कैल्शियम के पर्पज से, बट मैं आपको जो इसको मेडिसिन को रिकमेंड कर रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि इसमें कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस जिंक, और इन तीनों चीज़ के फ़ायदे क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, कैल्शियम हर कोई जानता है कि कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए, हमारी बोन्स ग्रोथ के लिए, बोन्स डेंसिटी के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। तो कैल्शियम हमें लेना बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम हो गई हमारी इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें इसलिए ज़रूरी है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी स्वेटिंग के थ्रू काफ़ी मैग्नीशियम बाहर निकलता है, जिसकी वजह से हम जो है डाउन फील करते हैं। तो हम ये टैबलेट लेंगे तो मैग्नीशियम की कमी हमारी बॉडी के अंदर पूरी होगी। प्लस इसके अंदर है जिंक। अब जिंक भी क्या होता है कि स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से जिंक काफ़ी मात्रा में बाहर आ जाता है, जिससे जिंक डेफिशिएंसी होती है और हम थके हुए महसूस करते हैं। प्लस जिंक का क्या बेनिफिट होता है, एक जिंकोविट करके एक मेडिसिन आती है, उसको स्पेशली लिया जाता है हमारे टेस्टोस्टेरोन एज अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के तौर पर। तो इसके अंदर हमें क्या होगा, इस एक टैबलेट में हमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक तीनों चीज़ मिल रही है, ठीक है। और सबसे मेन हमारा पॉइंट क्या होता है, मेरी वीडियो बनाने का पॉइंट क्या होता है, और मैं वीडियो जो बनाता हूँ, जो भी मेडिसिन लेके आता हूँ, मैं आपको इंडियन प्रोडक्ट बताता हूँ। और मेरा मानना यह है कि 90% जो जिम करते हैं उनको कहीं ना कहीं से पैसों की तंगी रहती है। मोस्टली यंगस्टर हैं, वो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बट जिम जाने का शौक रखते हैं। तो मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आया हूँ, मात्र आपको अंडर 500 ऑफर में ये मिल जाएगी। इसके अंदर आपको जो है 60 टैबलेट होती है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये नॉनवेज टैबलेट होती है। देखो, इसके ऊपर रेड मार्क है, ठीक है। नॉनवेज टैबलेट का मतलब ये नहीं कि किसी मांस से बनी है, बिल्कुल नहीं है। सारी इसमें जिस जिस चीज़ से बनी है इसके अंदर सब कुछ मेंशन है। आप गूगल से या हेल्थ कार्ड की वेबसाइट से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट ही हेल्थ कार्ड का है, मतलब जिनकी वेबसाइट है वो सप्लीमेंट का भी वर्क करते हैं, सप्लीमेंट के मैन्युफैक्चरर भी हैं। तो ये है काफ़ी मतलब जानी मानी इंडिया के अंदर ब्रांड हो चुकी है। इवन अब तो इसको जो है इंडिया से बाहर भी जानने लगे हैं लोग। तो अगर इसकी हम MRP में बात करें तो MRP इसकी 499 है। जब मैंने इसको ख़रीदा था इसकी MRP 499 थी। तो आप ये लगा लीजिए, अगर इसकी MRP 499 है तो जाहिर सी बात है इस पर कुछ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अंडर 500 आपको ये मिल जाएगी। तो क्या है कि कई बार जब हम बोलते हैं किसी अपने फ्रेंड को या जो जिम करते हैं, जो हमसे सजेशन लेते हैं, पूछते हैं कि कैल्शियम की टैबलेट ले लें हम, तो हम उनको बोलते हैं हाँ आप सप्लीमेंट स्टोर से कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हैं या आप केमिस्ट से ले सकते हैं। तो उनके माइंड में ये चलता है कि यार ये ना काफ़ी महंगी है। और वाकई में अगर आप केमिस्ट से भी लेंगे तो ये महंगी होती है, जेन्युइन तो होती है बट महंगी होती है, और उसके अंदर आपको काफ़ी बस कैल्शियम कैल्शियम मिलता है। अब ये इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट मैं बताता हूँ आपको सस्ता क्यों होता है। देखो, जो इंडियन प्रोडक्ट होता है वो हमारे इंडिया में बनता है, तो इस पर जो है टैक्सेस कम होते हैं। मतलब जो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट ने मेडिसिन के ऊपर टैक्स लगा रखा है वो तो इसके ऊपर टैक्स लग रहा है, मगर इस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो नहीं लग रही, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंडिया का प्रोडक्ट है। रॉ मटेरियल भले ही इसका बाहर से आ रहा, बट ये इस पर जो पैकिंग के बाद इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, क्योंकि इसका जब ये इसकी ये जो पैक बड़ा हो गया है तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी, क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाइड कर रहा है, उसकी ड्यूटी लगेगी और इम्पोर्ट, बहुत सारी
ड्यूटी होती है तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं। प्रोडक्ट यही होते हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत 30 मार्क का प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप मतलब इसके अंदर 60 टैबलेट आती है, आप जो है इसको 2 महीने तक चला सकते हैं। अब इसकी रहती है साइड इफेक्ट की बात, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। आप मिथ मान लीजिए उन साइड इफेक्ट्स को, या फिर आप उसको ये मान लीजिए कि वो हकीकत है कि कैल्शियम हमारी किडनी के अंदर पथरी बनाता है, मतलब कि वो स्टोन बनाता है। देखिए वो चीज़ डिपेंड करती है आपकी बॉडी टाइप के ऊपर, आपकी ईटिंग बिहेवियर के ऊपर, मींस कि आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो कितना आप वाटर इनटेक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, आप बिजी शेड्यूल रहता है कि आपको वॉशरूम जाना है मगर आप जाते नहीं है, आधे आधे घंटे वेट करते रहते हैं, अपने काम वर्क करता है वर्क करते रहते हैं। या दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है, स्टोन दो तरह का होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। मेल स्टोन जो होता है एक बार निकल जाए तो दोबारा बनने के चांसेस कम होते हैं, और एक होता है फीमेल स्टोन, उसका क्या होता है जब वो एक बार निकल जाता है तो उसके होने के चांसेस दोबारा होते हैं। मान लीजिए कि ये एक तरह से आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको छोड़ के चली जाएगी तो वापस आने के भी चांसेस होते हैं। चलिए ये तो एक मजाक था, तो फीमेल जो स्टोन होता है वो इसी तरीके का होता है कि जो है उसमें जो है इस तरह का ये होता है कि वो वापस आने का होता है। तो जिसको स्टोन है और जिसको पता है कि उनको स्टोन है, मैं रिकमेंड करूँगा कि वो टैबलेट फॉर्म में कैल्शियम ना लें, वो नेचुरल फूड लें, मतलब वो पनीर ले सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट वो डेयरी प्रोडक्ट लें, या एक बार थोड़ा सा गूगल करके रखें, वो देखें कि किन किन चीज़ों के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है। ऐसे तो नट्स के अंदर भी कैल्शियम होता है, हर नट्स के अंदर लगभग कैल्शियम पाया जाता है, आप बादाम ले लें, आप अखरोट ले लें, तो ये सारी चीज़ें से आप अपनी कैल्शियम की कमी पूरी करें। जिनको पथरी है और स्पेशली जिनको फीमेल टाइप पथरी है, वो आपके डॉक्टर बताएंगे कि वो आपको किस तरह की पथरी है, आप खुद भी गाइड जज कर सकते हैं अपनी बॉडी को कि अगर आपको बार 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 पथरी हो रही है, आपकी निकल जाती है फिर हो जाती है, निकल जाती है फिर हो जाती है कुछ महीने बाद, तो आपको समझ लीजिए कि आपको फीमेल है, तो आपको आप इसको जो है थोड़ा सा इग्नोर करें, अवॉइड करें। तो आज का मेरा पर्पज़ था कि मैं आपको बताऊं कि कैल्शियम के क्या क्या काम होते हैं, बोन्स वगैरह में आपको जो है ये फ़ायदा देती है, जिंक का मैंने आपको बता दिया कि आपको एनर्जेटिक रखती है, मैग्नीशियम का बता दिया, और ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी आपको मैंने ये वाली ये चीज़ मैंने आपको रिकमेंड्स की है, हेल्थ कार्ड की है, आपको काफ़ी चीप पड़ेगी, आप ये ले सकते हैं, मैंने ये लिया है देखिए। और मैं आपको ऐसे नहीं बता रही, जो मैं मोस्टली प्रोडक्ट यूज़ कर चुका हूँ ना, मैं आपको वही बताता हूँ। देखो पूरा डिब्बा खाली है, इस तरह की इसके अंदर टैबलेट होती है, ये देखो मैंने खुद खाई है, ये देखिए इस तरह की टैबलेट होती है वाइट कलर की, ये इस तरह की टैबलेट होती है, ठीक है। देखो कभी कभी तो क्या होता है कि मैं इसको हाफ भी ले लेता हूँ, क्योंकि इसकी जो इसके अंदर जो है ना टैबलेट, अगर आप इसके अंदर देखेंगे इसमें लेबल चिपक रहा है, मैं आपको इसके बारे में कंटेंट भी बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर कैल्शियम 1000 mg है, मैक्सिमम कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है जनरली वो 500 mg तक बहुत होती है, अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं तो 500 mg तक बहुत है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है मैग्नीशियम 100 mg, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जिंक कम मात्रा में लिया जाता है, उसके अंदर ये 4 mg है इसके अंदर। बाकी विटामिन D3 जो बोन्स के लिए अच्छा होता है, इसके अंदर 5 mcg है, ये भी बैलेंस्ड है। इस तरह के इसके अंदर काफ़ी चीज़ें पाई जाती है, तो मतलब एक तो दूर आप आधी टैबलेट भी अगर ले लेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये, क्योंकि कई बार क्या होता है हम डेड लिफ्ट वगैरह मारते तो हमारी ना जो बैकबोन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो काफ़ी वर्क कर रही होती है, तो उसमें ना ये कुछ इस तरीके से जो है ना घर्षण होता है इस तरीके से, तो उसमें जो है ना काफ़ी उसकी ना बोन डेंसिटी कम होती है, उसके अंदर जो लिक्विडिटी होती है, जो उसके अंदर जो जेल होता है वो कम होता है, और जब जेल कम होने के बाद हड्डियाँ घिसती है, तो वो इस चीज़ में ये काफ़ी काम है। थाई की एक्सरसाइज में हमारा क्या होता है कि नीज वगैरह चलती है, इस वजह से भी, तो जॉइंट सपोर्ट के लिए भी कैल्शियम जो है काफ़ी ठीक रहता है, मतलब बोन्स अच्छी होगी तो जॉइंट सपोर्ट के अंदर अगर कोई इशू आ रहा है तो वो हड्डियाँ हमारी संभाल लेंगी, मतलब वो घिसेंगी नहीं, एटलीस्ट उनमें डेंसिटी होगी तो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे 30+ होते हैं या 40+ होते हैं, तो उनकी जो बोन डेंसिटी होती है, मतलब कि जो बोन्स के अंदर जो पावर होती है, जो ठोसपन होता है,
वो जो है उनका अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब ये नहीं कि इसमें मेल या जिम करने वाला ही ले सकता, क्वांटिटी बदल सकती है जिम करने वाले और विदाउट जिम करने वाले में, बट इसको कोई भी ले सकता है। मतलब ये क्या है कि ये जनरल वेलनेस है, जनरल वेलनेस के लिए है ये नहीं है कि इसे कोई बॉडी बिल्डर या इस तरीके से कोई ले रहा है। आप जैसे हम अच्छा अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हम बिजी रहते हैं तो हम नहीं ले रहे पूरी टैबलेट, हम हाफ टैबलेट ले लेते हैं, तो ये इसी तरीके से है। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे, आपको आपका कैल्शियम का डोज आपको मिल गया अंडर 500, आपका दो महीने का हमने इंतजाम। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे, आपके कैल्शियम का डोज मैंने आपको बता दिया जो चीपेस्ट है और बेस्ट है, हर तरीके से आप इसको जो चेक कर सकते हैं, जेन्युइनिटी वगैरह का आप हेल्थ कार्ड की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं, बार कोड स्कैनर जो इंपॉर्टेंट कंपनी में होता है सब कुछ है इसके अंदर। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।